इन दिनों जयसी नगर ब्लॉक अंतर्गत शासकीय आदिवासी इंग्लिश मीडियम छात्रावास अपने क्रू प्रबंधन के कारण सुर्खियों में है। परिजनों द्वारा छात्रावास में बच्चों से शर्म कराए जाने की लगातार शिकायत मीडिया से कर रहे थे, जिसके तारतम्य में आज हमने बीईओ नीलम सिंह को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। बीईओ नीलम सिंह द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर ना तो कोई शिक्षक मौजूद था और यहां तक कि छात्रावास की अधिशिक्षा भी छात्रावास से नदारत रही। अपने बीच बीईओ मैडम को पाकर छात्रावास में मौजूद बच्चियों में उत्साह व्याप्त हो गया एवं बीईओ मैडम से छात्रावास की एक से एक कमियों गिनाने लगी। छात्रावास में मौजूद बच्चों ने बताया कि कपड़े साफ करने से लेकर बर्तन साफ करना एवं रसोइयों द्वारा बच्चों से इन कड़कड़ाती सर्दी में सुबह के 7 बजे से खाना बनवाने तक का कार्य जबरन कराया जाता है। बच्चों की शिकायत से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन दिनों छात्रावास में मानवता से परे अबोध बालिकाओं का जिस तरह शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं संपूर्ण शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल उत्पन्न हो रहा है। कब तक छात्रावास की अधिशिक्षा एवं रसोइया के दर्द के बीच इन मासूमों का बचपन दफन होता रहेगा? कब प्रशासनिक अधिकारियों तक इस कुप्रबंध की आंच जाएगी? उक्त विद्यालय में अध्ययनरत बच्चियों के अभिभावक ने सभायुक्त से अब आखिरी उम्मीद टिकी हुई है, जो मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे या फिर छात्रावास के कुप्रबंधन के बीच मासूमों का बचपन दफन होता रहेगा। मैडम जी, बताइए, आज छात्रावास का आपने निरीक्षण किया, आपके द्वारा किया गया, इनमें कौन कौन सी त्रुटियां पाई गई? ये समझ में आया कि बाकी साफ सफाई तो ठीक है, भोजन वोजन बच्चों को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चियों को जो है खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, या उनको रोटी बनाने वगैरह के लिए बच्चों ने अभी शिकायत की है, तो भृत्यों की कुछ कमी दिख रही है। और अजीची का तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनके हस्बैंड रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि वो लड़ाई करने लगते हैं, तो मैंने कहा कि लिख करके दे दें। नहीं, जैसे बच्चों ने बताया कि हमारे द्वारा ही कपड़ा धोया जाता, हमारे द्वारा ही बर्तन धोया जाता है, भृत्यों को निर्देशित किया जाएगा, यदि वो कार्य नहीं करेंगे ठीक से तो उनका वेतन वृद्धि या सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय। इसमें जो अधीक्षिका मैडम है वो बताइए, उपस्थित नहीं रहती है? नहीं रहती है, 2 बार हम पहले भी निरीक्षण कर चुके हैं तो वो उपस्थित थी। अभी उन्होंने बताया कि एक जानकारी मांगी गई थी तो उसको जमा करने के लिए वो शहडोल गई हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। हालांकि सूचना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है, तो उसको देखा जाएगा कि क्यों बिना सूचना के गई। मतलब बिना सूचना के ही वो जैसे नदारद रहती हैं, और इससे मान लीजिए अभी नहीं, इसके पहले 2 या 3 बार हम आए हैं तो कब हमेशा आपको मिली है, तो वो जानकारी ही जमा करने गई हूँ। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अब आज पता, 2 बार पहले भी आए, बच्चों ने कुछ बताया नहीं। जी जी, अब आज बच्चियों ने बताया है तो उस पर हम आज तत्काल कार्यवाही करेंगे, यदि सुधार नहीं होता है तो फिर उसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही। जी, क्या नाम बेटा? खड़े रहो। अंजलि। पूरा नाम बताओ। अंजलि सिंह। कौन से क्लास में पढ़ती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? फाइव। अच्छा, क्या बोल रही है मैम आपको? मैम नहीं बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सुबह ला जाती हैं 7 बजे से, अधीक्षक मैम से बोलती हैं सुबह ना जाया करो बिलवाने, शाम को चले जाया करो, अकेले बना के तो हेल्प कर दिया करो, तीन खा लिया करो रोटी, और बोलती हैं आंटी जी सुबह ला जाया करती है, डांटा करती है। आंटी जी ले जाती हैं? कितने बजे ले जाती हैं आपको? 7 बजे आती हैं। तो अभी बस और किसी को? और लोगों को भी ले जाती हैं। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।